आज हम बना रहे हैं नमकीन गोश्त। बकरीद आ रही है तो बकरीद के हिसाब से सब घरों में ही बनेगा। ये बहुत मज़े का बनता है और बहुत लजीज होता है। तो शुरू करते हैं हम नमकीन गोश्त बनाने के लिए। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें ऑयल। ऑयल डाला मैंने। अदरक लहसुन डालेंगे 2 टेबल स्पून। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन। बाद में हम इसमें साबुत भी डालेंगे। गोश्त को मैंने एक बॉयल पानी में डालकर एक बॉयल कर लिया था ताकि इसमें एक जो वाइट सा ऊपर झाग आता है वो ना आए। बकरीद के गोश्त में बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि फ्रेश गोश्त होता है वो, तो लाजमी एक बार आप पानी बॉयल करके निकाल दें और गोश्त साफ़ हो जाएगा। अब मैं डाल दूँ इसमें गोश्त। सिर्फ मैंने एक पानी में बॉयल डाला है, ज़्यादा नहीं किया इसको क्योंकि इसकी अच्छी तरह से हम करेंगे 5-6 मिनट भुनाई। भुनाई देखें हमारी अच्छी सी हो चुकी है। अब मैं डाल रही हूँ बस ये साइज़ मैंने टुकड़ा एक छोटा सा लिया, बिल्कुल छोटी सी प्याज आपके पास है तो वो ले लें, मेरे पास बड़ी थी मैंने उसमें से इसका छोटा हिस्सा लिया है। अब इसमें डाल देंगे हम ये प्याज, बस ज़्यादा हमें प्याज नहीं डालनी है, 4 से 5 हरी मिर्च डाल देंगे। मेरे पास ये साबुत लहसुन है ये डाल रही हूँ। 2 दालचीनी के मैं टुकड़े डाल रही हूँ इसके अंदर और 2-3 से गिलास पानी भर के हम डाल देंगे, इतना कि हमारा गल जाए। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो आप उसमें 1 से 1.5 गिलास पानी डालें, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैं इसको पैन में बना रही हूँ तो थोड़ा टाइम लगेगा, पानी भी मैंने ज़्यादा डाला है। 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल दूँगी ज़ीरा। मैंने ये ज़ीरा लिया है, 4-5 मैंने काली मिर्च और 4-5 मैंने ली है लौंग, ये डाल दी हमने इसमें। अब मैं इसको कर दूँगी कवर। तकरीबन ये 1 घंटे में हमारा बहुत अच्छा सा गलेगा क्योंकि मैं अभी इसमें डालने लगी हूँ 2 नली। मैं इसमें डालने लगी हूँ 2 नली, ये उस वक्त इसलिए नहीं डाली थी कि भुनाई में ज़रा मसला होता। और ये जो नली का ऑयल आएगा, घी आएगा, उसमें बड़ा अच्छा सा इसका फ्लेवर आता है। आप चाहें तो इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं, मैं टमाटर नहीं डाल रही हूँ। मैं इसको कर दूँगी कवर 1 घंटे के लिए। पानी इसमें बिल्कुल खुश्क हो चुका है, गोश्त हमारा गल गया है। 1.25 घंटा मुझे गोश्त को गलाने में लगा है क्योंकि ये नमकीन जो गोश्त होता है वो बहुत अच्छा गलाया जाता है और ऐसे ही खाया जाए तो भी अच्छा लगता है। ये तो बकरीद आ रही है, बकरीद पे हर घर में यही तकरीबन बन रहा होगा। बस इसकी ये जो हमें है थिकनेस जो है रखनी है, ये इसके गोश्त का मसाला जो है बस वो है। मैं फ्रेम बंद कर रही हूँ, आप हल्की सी इसकी अदरक और धनिया से गार्निश कर देंगे। चलिए जी, हमारा ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसमें कुछ भी नहीं डलता है, गरम मसाला वगैरह कुछ भी नहीं डलेगा। साबुत हल्के हल्के मसाले डाले थे हमने। मैं करती हूँ इसका फ्लेम बंद और करती हूँ डिश आउट। अब मैं करती हूँ इसको डिश आउट। नली जो है हम इसकी निकाल लेंगे, खाते हुए निकालेंगे हम, ताकि ये इसमें देर तक गर्म रहे। इसी तरह हम अपना सभी निकाल लेंगे। इसमें डिश आउट मैंने कर लिया है, इसकी हम करेंगे गार्निश हरी मिर्च से, लेमन और थोड़ा सा धनिया और अदरक। चलिए जी, ये हमारा बहुत अच्छा सा नमकीन गोश्त तैयार हो चुका है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बकरीद आ रही है, बकरीद पे बहुत अच्छा लगता है ये। और बकरीद में आप ये कीजिएगा, क्या कहते हैं, जो चर्बी होती है इसकी गोश्त की, उसी के साथ आप पकाएं तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनता है उससे। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह अच्छा बना है और अच्छा ही आपका भी बनेगा। और आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और आपके एक सब्सक्राइब से हमें बड़ी हिम्मत हौसला मिलता है और हम आपके लिए नई नई रेसिपीज़ लेकर आते रहेंगे इंशाल्लाह। तो मिलेंगे फिर किसी और अच्छी रेसिपी के साथ, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।